नोएडा के सेक्टर 123 में बनाए जा रहे डंपिंग ग्राउंड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के सामने आज आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। सरकार ने फैसला लिया है कि सेक्टर 123 में बनने वाला डंपिंग ग्राउंड अब यहां नहीं बनेगा, इसे यहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि डंपिंग ग्राउंड कहां बनेगा। दरअसल नोएडा सेक्टर 123 में बनाए जा रहे डंपिंग ग्राउंड के खिलाफ लोग काफी वक्त से प्रदर्शन कर रहे थे। कभी पुरुष कपड़े उतार कर सड़क पर उतरे तो कभी महिलाओं ने सड़क पर बैठकर चक्का जाम लगाया। इतना ही नहीं, गुरुवार को योग दिवस पर भी महिलाओं ने किन्नरों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया था और डंपिंग ग्राउंड में योग करके पीएम मोदी को फिटनेस चैलेंज दिया था कि अगर हिम्मत है तो इस गंदगी में बैठकर योग करके दिखाओ। लोगों के इस विरोध के बाद अब आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि अब सेक्टर 123 में बनने वाला डंपिंग ग्राउंड यहां नहीं बनेगा, इसे यहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि अब तक यह साफ नहीं है कि अब डंपिंग ग्राउंड कहां बनेगा। आपको बता दें कि कूड़े पर शहर में काफी दिन से बवाल मचा हुआ है। पहले सेक्टर 137 में कूड़ा डाला जा रहा था, लेकिन वहां एनजीटी के रोक लगाने के बाद कूड़ा सेक्टर 54 में डंप किया जाने लगा। लेकिन इस बीच यहां भी कूड़ा डंप करने पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद प्राधिकरण ने फैसला लिया कि वो सेक्टर 23 में अपनी जमीन पर डंपिंग ग्राउंड बनाएगा। ये फैसला स्थानीय लोगों को मंजूर नहीं था, लिहाजा उन्होंने इस फैसले का पुरजोर विरोध किया और आखिर में अब उनकी ही जीत हुई। डीबी लाइव की रिपोर्ट।